अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिया था, उसके बाद है 16वां क्वेश्चन है, ही ब्लैंक फ्रॉम मुंबई, ब्रैकेट में जस्ट अराइव्ड, यहाँ देखिए आप जस्ट एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज लगती है, और वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो अराइव जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी अराइव्ड, ए डबल आर आई वी ई डी, तो हैज अराइव्ड हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है स्कूल ब्लैंक यट नॉट रीओपन, अब आप देख रहे हैं यट, ये यट जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है, पहले ही बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, स्कूल सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग लगेगी हैज, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन वाक्य है आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो पहले नोट लगेगा, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीओपन है तो रीओपन आर ई ओ पी ई एन ई डी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, माई फादर वी एस धोती एंड कुर्ता डेली बट ही ब्लैंक अ वाइट सूट टूडे, अब आप इसमें देखिए बट से पहले एक वाक्य है, इसमें जैसे एडवर्ब दे रखी है डेली, डेली प्रेजेंट सिंपल में होता है इसलिए इस वियर के पीछे देखो एस लग रखा है, क्योंकि माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर है के अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस तो यह यूज हुआ है प्रेजेंट सिंपल, लेकिन बट के बाद में जो दूसरा वाक्य है आपका सेंटेंस है वो ही ब्लैंक ए वाइट सूट टूडे, तो टूडे वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में है तो क्या होगा यहाँ पे ही के साथ में प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, ई एक वचन है सिंगुलर है उसके लिए इज लगेगा, और वर्ब की फॉर्म वियर वियरिंग, तो इस प्रकार से ये 18वां क्वेश्चन। उसके बाद 19वां है यस द मैच ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन एनी टीवी, और ब्रैकेट में वर्ब है गो, तो देखिए वाक्य कह रहा है आपका सेंटेंस कह रहा है कि मैच है वो टीवी पे चल रहा है, आप किसी भी टीवी में देख सकते हैं, तो यू कैन वॉच आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट की बात है इसका मतलब कोई काम है वो चल रहा है या हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो द मैच के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और वर्ब के साथ में आई एन जी, तो वर्ब गो है, गो के साथ में आई एन जी लग जाएगा गोइंग। लास्ट क्वेश्चन है माही यूजुअली, ये यूजुअली एडवर्ब आपको पता ही है, ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, अप एट 4 o'clock द मॉर्निंग, अब जो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, तो फर्स्ट फॉर्म तो तब यूज होती है जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यहाँ पे सिंगुलर सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ होती है जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस यूज होता है, तो वर्ब अपनी गेट है तो यहाँ पे गेट के साथ में क्या यूज होगा एस या ई एस, तो अपन यहाँ पे एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ई एस तब आता है जब किसी वर्ब का अंतिम अक्षर आपको मैंने पहले भी बता रखा है एस 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 सी एच एस एच ओ एक्स जेड हो, लेकिन यहाँ कोई भी अंतिम अक्षर है वो एस एस सी एच ओ एक्स जेड में से नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज होगा। थैंक यू।